हेलो फ्रेंड्स, इस एवी में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ सब डिवीजन की। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आइए लिख लेते हैं क्वेश्चन और लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया है और लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हर इंडिविजुअल टर्म को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, जैसे कि कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए, फिर कॉस ए बाय साइन ए बाय साइन ए, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 बाय साइन ए। तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर के सारे टर्म्स और डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर लिया है। तो हमें पता है कि कॉस ए बाय साइन ए ये हो जाएगा कॉट ए। आप जितने थोरो होंगे सारे रेशियोज के साथ ये सम सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 बाई साइन ए हो जाएगा कोसेक ए, डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए हो गया कॉट ए, प्लस साइन ए कैंसिल हो गए, प्लस 1 बाई साइन ए हो जाता है, सॉरी माइनस 1 बाई साइन ए हो गया कोसेक ए। अब इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यूज करना है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए से, या आप यूँ कहें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए से, सिर्फ इसलिए ताकि हम जो आइडेंटिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए उसको यूज़ कर सकें, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये स्टेप आया मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉट ए प्लस कोसेक ए से। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है कॉट ए और कोसेक ए को एक साथ कर लेंगे, और ये जो प्लस वन है इसको हम अलग से लिख लेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा कॉट ए और कोसेक ए को हम पहले लिखेंगे प्लस कोसेक ए प्लस 1, और ये बचा हुआ पोर्शन कॉट ए प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी हम कॉट ए और कोसेक ए को एक साथ लिखेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब न्यूमरेटर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये जैसा है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। ये हमने न्यूमरेटर को लिख लिया है। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे कि इस होल टर्म को कॉट ए प्लस कोसेक ए को इन सब से और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा जो ये टर्म है इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया कॉट ए माइनस कोसेक ए, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस टर्म से जो कि ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1 इंटू ये पूरा टर्म,
तो ये हो जाएगा cot a प्लस cosec a। अब इसके बाद फिर हम न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी का। ये हमने न्यूमरेटर लिख लिया है और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू है cot a, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a प्लस, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो गया cot a प्लस cosec a। इसके बाद न्यूमरेटर को फिर हम एज इट इज लिख देते हैं, न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख देंगे और डिनोमिनेटर में आप ये समझिए कि cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू वन प्लस cot स्क्वायर a, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से cot स्क्वायर a और अगर cosec को यहाँ ले जाएं तो माइनस cosec स्क्वायर a और वन इस तरफ आएगा तो माइनस वन हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में है cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू माइनस वन होगी। शायद न्यूमरेटर में हमने कहीं साइन गलत लिखा है। हाँ, यहाँ देखिए ये माइनस साइन है, इसका मतलब ये भी माइनस होगा और जब ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, ये न्यूमरेटर भी माइनस वन होगा, यहाँ पर भी माइनस वन होगा। तो हमारा न्यूमरेटर है cot a प्लस cosec a माइनस वन और cot a प्लस cosec a डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, इसकी वैल्यू है माइनस वन प्लस cot a प्लस cosec a। तो अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों टर्म सेम हैं, इसलिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा cot a प्लस cosec a, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो हम लिख सकते हैं कि cosec a प्लस cot a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड और हैंस वेरीफाइड। थैंक यू।